नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सीबीआई और ईडी आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि इस मामले में अभी तक आरोपी तय होने पर बहस शुरू क्यों नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। आप किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते हैं। आज सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई का पक्ष रखते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि उन्हें एजेंसियों की ओर से कहने के लिए निर्देश मिला है कि इस केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। इस पर कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में क्या आरोप समान होंगे या फिर अलग होंगे। बेंच ने एएसजी को इस बात पर मंगलवार को जवाब देने को कहा है। सिसोदिया की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एएसजी के इस बयान का मतलब है मीडिया को सुर्खियां देना, जो आज उन्होंने जहर खत्म होते वक्त बोला है, वो भी कल अखबारों की प्रमुखता से छपा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने के करीब एक साल बाद 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने और फिर करीब 500 गवाहों के बयान के बाद अब वो किसी और को आरोपी बनाने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि एएसजी के इस बयान का मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हमारे रुख पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन पर अभी तक जो भी आरोप लगे हैं उसके मद्देनजर ही हम विचार कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जिस राजनीतिक पार्टी को आबकारी नीति घोटाले से फायदा पहुंचा है उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से पूछा कि जहां तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है, आपका पूरा केस यह है कि यहां पैसा राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचा है, लेकिन वो राजनीतिक दल तो अभी तक आरोपी ही नहीं है, आप इसका कैसे जवाब देंगे। हालांकि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका मकसद किसी पार्टी विशेष को आरोपी बनाए ही जाए और ये कहने का नहीं था, बल्कि ईडी ने जो चार्ट कोर्ट में पेश किया था उसमें लाभार्थी की सूची में पार्टी का नाम देखे जाने पर हमने ये सवाल पूछा था।